और अगर आप इसका सेवन करते हैं तो ये आपके न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को बढ़ाता है, जिसके कारण आपके बोध को भी। और अगर ये देवी के संपर्क में है, यानी इसका तना देवी की ओर है, तो ये देवी के जो भी गुण हैं ये उन्हें भी सोख लेता है, और तब आप इसे अपने सिस्टम में डालना चाहते हैं। हो सकता है आप में से कई लोगों को यह पता ना हो कि पान का पत्ता क्या होता है। भारत में इसका बहुत महत्व है, ये बहुत अच्छा पाचक है, ये क्षारीय प्रकृति का होता है। अगर आपने अपने खाने में कुछ विषैला खा लिया है तो ये उसको निष्क्रिय कर देता है, कोई भी अम्लीय जहर बेअसर हो जाता है। कोबरा का जहर भी ये उसको कुछ हद तक निष्क्रिय कर सकता है, कुछ हद तक, ऐसा नहीं है कि ये पूरी तरह से रोक देगा, लेकिन ये कई पहलुओं को कम कर देता है। इसलिए खाने के अंत में लोग इस वेथलाई या विलेडेले या तांबुल का सेवन करते हैं कि इस पत्ते के सेवन से मानव गतिविधि को दूसरे स्तर पर ले जाया जा सकता है। और ये पत्ता तभी काम करता है जब इसका तना कम से कम 1 इंच का हो। अगर आप इसे ज्यादा पास से काट देते हैं तो इसमें वो बात नहीं रहती। ये पत्ता, मुझे पता है कि लगभग किसी भी पत्ते का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन ये विशेष पत्ता, अगर आप इसे पानी पर रखते हैं तो इसका तना हमेशा उत्तर की ओर रहेगा। आप ये जानते हैं, अगर आप इसे पानी में, शांत पानी में डालते हैं तो यह स्वाभाविक रूप से इस ओर मुड़ जाएगा और उत्तर की ओर इशारा करेगा। इसलिए अगर आप जंगल में खो गए हैं और आपके पास एक पान का पत्ता है तो आप इसे वहां पानी में डाल दें, यह आपको दिखाता है कि उत्तर किस ओर है। एक बार आप उत्तर दिशा जान गए तो बाकी सभी दिशाएं आप जान लेंगे, मुझे उम्मीद है। पान का पत्ता और बोध आपस में जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये एक न्यूरोलॉजिकल उत्तेजक बल्कि तंत्रिका उत्तेजक है। अगर आप इसका सेवन करते हैं तो आपकी नसें हल्की इस तरह हो जाएंगी, तो आपकी न्यूरोलॉजिकल जटिलता और न्यूरोलॉजिकल गतिविधि और आपका बोध सीधी तरह संबंधित हैं। किसी भी दूसरे प्राणी की तुलना में एक इंसान चीजों को समझने में ज्यादा सूक्ष्म इसीलिए होता है क्योंकि हमारे पास सबसे जटिल न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है। दरअसल बाकी किसी भी प्राणी की तुलना में आपको बेहतर सुनना चाहिए, आपको बेहतर देखना चाहिए, आपको बेहतर सूंघना चाहिए, लेकिन शहरों में रहते हुए ये चीजें नीचे आ गई हैं। अगर आप प्रकृति में रहते होते तो ये चीजें बहुत ही सतर्क होती। बस यूं ही आप ज्यादातर प्राणियों से सूंघने, देखने, सुनने, हर चीज में कई ज्यादा बेहतर होते, मगर ये नीचे आ गई हैं, क्योंकि शहरी समाज में रहने पर देखने वाली, सुनने वाली और सूंघने वाली सभी क्षमताओं पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। उस वजह से ये एक तरह से कम होती चली गई। वरना अगर कोई व्यक्ति प्रकृति में रहता है तो उसकी 5 इंद्रियां उच्चतम स्तर की होती हैं, क्योंकि हमारे पास सबसे जटिल न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है, उस पर थोड़े से उछाल से आप स्वाभाविक ही समझने लगते हैं। इसलिए बोध के लिए जो भी उपकरण इस्तेमाल किए जाते हैं उनमें हमेशा एक पान का पत्ता होता है। वेथलाई निश्चित ही वहां होगा, इसलिए देवी, हनुमान और कई दूसरे देवी देवताओं को हमेशा इस विशेष पत्ते से ढका जाता है और फिर इस पत्ते का इस्तेमाल किया जाता है। अब पान सुपारी या खासकर पान का पत्ता इसे बढ़ाता है, इसलिए देवी से जुड़ी कोई भी चीज हमेशा इससे संबंधित होती है। ये अजीब है, आप जानते हैं, क्योंकि कई भारतीय इस पर लड़ते हैं क्योंकि वो नहीं जानते कि ये क्या है, इसलिए वो सोचते हैं कि उन्हें ये पत्ता देवी की ओर करके रखना चाहिए। नहीं, हमेशा तना देवी की ओर रखें। ऐसा लगता है जैसे ये आपको भेंट किया गया है, लेकिन ये ऐसा ही है, ये आपके लिए है, क्योंकि पान के पत्ते का तना चीजों का बोध करने में सक्षम होता है। सुपारी यानी बीटल और इस पत्ते का इस्तेमाल एक साथ किया जाता है, इसलिए अंग्रेज इसे बीटल लीफ कहने लगे। ये बीटल लीफ नहीं, ये पान का पत्ता है, सुपारी अलग है। तो किसी भी दूसरे पत्ते की तुलना में इस पत्ते में प्रति वर्ग इंच सबसे ज्यादा मात्रा में सूरज की किरणों को सोखने की क्षमता होती है, इसलिए यह सिर्फ छाया में ही उगता है, यह सूरज की रोशनी नहीं ले सकता,
क्योंकि ये बहुत ज्यादा सोखता है। तो सोखने की इस क्षमता के कारण विशेष रूप से इसका तना इतना संवेदनशील होता है कि ये बोध का स्रोत बन जाता है और ये उत्तर दिशा को दर्शाता है। और अगर आप इसका सेवन करते हैं तो ये आपके न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को बढ़ाता है, जिसके कारण आपके बोध को भी। और अगर ये देवी के संपर्क में है, यानी इसका तना देवी की ओर है, तो ये देवी के जो भी गुण हैं ये उन्हें भी सोख लेता है। और तब आप इसे अपने सिस्टम में डालना चाहते हैं, यही उद्देश्य है। या फिर लोग इसे यूं ही अपने शरीर पर लगा लेते हैं। कुछ लोग इसे अपने मणिपूरक या नाहत या विशुद्धि में लगाते हैं। ये चीजें ना करें क्योंकि इसके लिए खास तैयारी की आवश्यकता होती है। लेकिन आप इसका सेवन कर सकते हैं, हर दिन नहीं, कभी कभार अगर आप चाहें आप इसका सेवन कर सकते हैं। ये निश्चित ही आप देखेंगे कि थोड़ा उछाल लाएगा। ये उत्तेजक है पर कॉफी या चाय की तरह नहीं। ये उतना ज्यादा तेज नहीं है पर यह काम करता है। अगर आप भारी खाना खाते हैं और उसके बाद पान का पत्ता खाते हैं तो आप देखेंगे कि यह आपको सोने नहीं देगा, लेकिन आप ज्यादा उत्तेजक महसूस नहीं करेंगे। न्यूरोलॉजिकल सिस्टम में हल्की सक्रियता आती है, तो इसका उपयोग लंबे समय से किया जा रहा है। और पान के पत्ते की यह भी एक परंपरा है, इसे कभी भी लंबाई में नहीं फाड़ना चाहिए, क्योंकि पान के पत्ते की रीढ़ बहुत महत्वपूर्ण होती है। आपको इसे लंबाई में नहीं फाड़ना चाहिए। अगर आप इसे बांटना चाहते हैं, अगर आपका पत्ता इस तरह है तो आपको इसे इस तरह से काटना चाहिए, लेकिन इसे इस तरह कभी ना काटें। पत्ते का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा रीढ़ है, इसलिए अगर आप इसे किसी के साथ बांटते हैं तो उन्हें भी तने का टुकड़ा मिलना चाहिए। अगर आप इसे ऐसे फाड़ते हैं तब या तो यह आपको मिलेगा या उन्हें, दोनों को नहीं मिल पाएगा। तो जब आप इसे इस तरह आधा करेंगे तब एक तरह से रीढ़ या तना दोनों को मिलेगा। तो यही वजह है कि पान का पत्ता और देवी बहुत जुड़े हुए हैं, क्योंकि दोनों बोध के लिए हैं, दोनों ही मानवीय बोध को बढ़ाने के लिए हैं। उन्हें हर उस छोटी चीज को पहचाना जो आपके लिए सहायक हो सकती है। So they did not leave even the... तो उन्होंने फूलों, फल और पत्तियों को भी नहीं छोड़ा, वो सभी चीजें जो आपकी सहायता कर सकती हैं। So always it is said, Vilva is dear to Shiva. तो ये हमेशा कहा गया कि विल्वा शिव को प्रिय है, उनके लिए सब कुछ एक है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये शिव को प्रिय है। इसके शिव को प्रिय होने का अर्थ है कि एक तरह से इसके स्पंदन उस तत्व के सबसे ज्यादा करीब हैं जिसे हम शिव कहते हैं। वे निकट हैं, वे उसी दिशा में हैं। ऐसे ही हमने कई चीजें पहचानी हैं, सिर्फ एक खास पत्ती ही नहीं, हमने कई चीजों को पहचाना है। और सिर्फ वही चीजें अर्पित की जाती हैं क्योंकि वे आपके लिए संपर्क बनाने का साधन बन जाती हैं। आप वो पत्ती उनके पास छोड़ नहीं आते, आप उसे वहां रखते हैं और फिर वापस ले आते हैं, है ना? Because this particular leaf has the highest capability. क्योंकि इस पत्ती में उस स्पंदन को सोखने की क्षमता सबसे ज्यादा है और It's for you to pick it up and go. आपको उसे उठाकर ले आना चाहिए। ऐसी कई कई चीजें हैं जिन्हें पवित्र साधनों की तरह पहचाना गया है, जिनका लोग इस्तेमाल करते हैं। आपको ये समझना चाहिए, इसका संबंध देवताओं से नहीं है, इसका संबंध आपसे और किसी चीज तक पहुंच बनाने की आपकी काबिलियत से है। तो मान लीजिए आप इसे आजमा सकते हैं। आप ये प्रयोग कीजिए, ध्यानलिंगा में जाइए, ठीक? मान लीजिए ये ऐसा जैविक सूती कपड़ा पहनकर वहां बैठिए, देखिए कैसा महसूस होता है। कच्चा रेशम पहनकर वहां बैठिए और देखिए कैसा महसूस होता है। कोई नायलॉन कपड़ा पहनकर वहां बैठिए और देखिए कैसा महसूस होता है। अपने चारों ओर प्लास्टिक लपेट कर वहां जाकर बैठिए और देखिए कैसा महसूस होता है। किसी चीज पर विश्वास मत कीजिए, बस तीन तीन दिन आप एक किस्म के कपड़े पहनकर वहां बैठिए और देखिए, अगर आप में थोड़ी संवेदनशीलता है तो आप फर्क जान जाएंगे, फिर आप स्वाभाविक रूप से सही चीज चुनेंगे। तो अहम चीज यह है कि जब आप वहां जाकर बैठते हैं, हर चीज जो आपके पास है वो ऊर्जा सोख कर आपको पोषित करने में मददगार होनी चाहिए, यही मकसद है। तो विल्वा में ऐसी काबिलियत है, अगर आप उसे लिंग पर रखते हैं और फिर उठाते हैं तो ये उस स्पंदन को लंबे समय तक बनाए रख सकता है।
ये आपके साथ बने रहते हैं। अगर आप इसे अपने साथ कुछ दिन तक रखें तो इसका असर होगा। आप इसे आजमा सकते हैं। आप विल्वा पत्ती अर्पित करके फिर इसे अपनी छाती की जेब में रखकर घूमिए। इसका आपके ऊपर फर्क पड़ेगा, आपके स्वास्थ्य, खुशहाली, मानसिक दशा, हर चीज पर फर्क पड़ेगा। तो लोगों ने इन चीजों को ध्यान देकर ध्यानमय स्थिति में पहचाना। आप ये भी आजमा सकते हैं। आप जाकर 10 अलग अलग तरह की पत्तियां तोड़ सकते हैं, उन सबको लिंग के पास रखें और फिर उन सबको साथ ले जाएं और आप अपने पास रखें। आप खुद ही अंतर देखेंगे। इसे देखने के लिए आप में एक खास तरह की संवेदनशीलता होनी चाहिए, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि जो संवेदनशील हैं वे फर्क महसूस करेंगे। अपनी आंखें बंद करके, अगर उनकी आंखें खुली हैं तो उनमें पक्षपात आ सकता है। आप 10 अलग किस्म की पत्तियों का गुच्छा लें, उनको एक कपड़े में यूं बांध दें ताकि आप उन्हें देख न सकें कि कौन सी पत्ती है। आप उसे वहां रखें, मैं आपके लिए वो पत्ती पहचान लूंगा। दूसरी चीजें हो सकता है मैं ना पहचान पाऊं। आप विल्वा वहां रखिए, मैं बता दूंगा ये विल्वा है। उसके लिए आपको मुझे बुलाने की भी जरूरत नहीं है। आप अपना रुद्राक्ष लीजिए और उसे पकड़िए, वो आपको बता देगा। वो आपसे थोड़ा ज्यादा बुद्धिमान है, पता है।